टीवी देखने घर में गई 11 वर्षीय किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर बीजेपी पदाधिकारी ने किया बलात्कार। अचेत अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार। भले ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा लाख दाफे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते छेड़छाड़ और गैंगरेप एवं बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन घटती हुई देखने को मिल जाती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक और जीता जागता मामला जनपद मैनपुरी थाना किसनी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी ने बच्चों के साथ खेलते समय घर में टीवी देखने आई एक 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, किशोरी की अचेत अवस्था हो जाने पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। होश आने पर जब किशोरी लहूलुहान अवस्था में अपने घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी तो परिजनों के पैरों तले जमीन निकल गई। आनंद फानन में परिजनों ने पुलिस की शरण ली, क्योंकि आरोपी बीजेपी से किसनी विधानसभा मंडल मंत्री है। आपको बता दें, पूरा मामला किसनी थाना क्षेत्र के ग्राम खरगपुर से जुड़ा है। इस गांव की रहने वाली एक 11 वर्षीय किशोरी बच्चों के साथ खेलते खेलते पड़ोस में ही बीजेपी के किसनी विधानसभा मंडल मंत्री गोविंद के घर पर टीवी देखने चली गई थी, जहां 30 वर्षीय गोविंद चौहान ने सभी बच्चों को भगा दिया और अकेली रह गई 11 वर्षीय किशोरी को मुंह बंद कर तमंचे की नोक पर उसे एक कमरे में खींच कर ले गया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। पीड़ा से व्याकुल किशोरी अचेत अवस्था में हो गई, जिसको आरोपी गोविंद अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। होश आने पर किशोरी घर पहुंची, जहां उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। घटना सुनते ही परिजन आनंद फानन में ही किशोरी को लेकर थाना किसनी पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है, वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा होते हुए भी बीजेपी पार्टी का कुशल कार्यकर्ता है। इतना ही नहीं, आप इस बैनर को भी देखिए जो साफ बता रहा है कि यह बीजेपी का कट्टर नेता है। आइए सुनते हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर ने क्या कहा। दुष्कर्म का मामला आया, क्या है मामला? थाना किसनी क्षेत्र के एक गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें टीमें भी रवाना हो गई, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। आप थाने आई हैं, आपका मुकदमा दर्ज हुआ अभी? आप थाने बेटी को लेकर आए हैं, क्या मामला था? किसने किया, कौन था? क्या मामला हुआ था? वो खेल रही थी लड़की, टीवी देख रही थी, या और मुंह चिल्लाई तो मुंह दबाया, कट्टा दिखाया और धमकी दी कि अगर घर बताया तो मार देंगे। आप पुलिस में आए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर रही है, अपने जान कर रही है।